हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शॉर्ट चैटिंग फॉर व्हाट्सएप एंड फेसबुक। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका मतलब? जैसे कि TTYL का फुल फॉर्म क्या होता है, LOL का फुल फॉर्म क्या होता है, CU2M का मतलब क्या होता है, LS का मतलब क्या होता है, W4U का मतलब क्या होता है। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस सब का मतलब क्या होता है और शॉर्ट चैटिंग में इसे कैसे उपयोग करते हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला लेटर है वो है TYSM, मीन्स इसका मतलब होता है थैंक यू सो मच। हिंदी में इसे हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी को थैंक यू सो मच बोलना है तो आप इतने बड़े वर्ड को ना लिख के TYSM लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला लेटर है वो है TTYL, इसका मतलब होता है टॉक टू यू लेटर, मीन्स बाद में बात करते हैं। तो सो गाइस, अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और आपको ज़रूरी काम याद आ जाता है तो वहाँ पे आप TTYL लिख के चले जा सकते हैं। अगला व्यक्ति समझ जाएगा ये लिखा गया है टॉक टू यू लेटर। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड है वो है SYS, मीन्स इसका मतलब होता है सी यू सून, जल्द ही फिर मिलते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड है वो है RIP, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है और वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं तो उस समय हम लोग RIP शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ही होता है रेस्ट इन पीस, मीन्स आत्मा को शांति मिले। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड है वो है LOL, इसका मतलब होता है लफ आउट लाउड, मीन्स जोर से हंसना। यहाँ इसका एक और मतलब होता है लॉस्ट ऑफ लव, बहुत सारा प्यार। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड है वो है TFU, इसका मतलब होता है थैंक्स फॉर यू, इसके लिए धन्यवाद। जब आप किसी से कोई सामान मांगते हैं और वो आपको देता है तो वहाँ पे आप बोलते हो थैंक्स फॉर यू, मीन्स इसके लिए धन्यवाद। तो उस समय आप इतना बड़े वर्ड्स ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं TFY। उसके बाद गाइस, हमारा अगला वर्ड है वो है SD। SD का मतलब होता है स्वीट ड्रीम, मीठे सपने। जब आप किसी को गुड नाइट बोलते हैं उसके बाद आप SD बोल सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड्स है वो है LS। LS का मतलब होता है लवली स्माइल, इसे हिंदी में हम बोलते हैं प्यारी मुस्कान। जब आप किसी की डिप्पी पे मुस्कुराते हुए चेहरा देखते हैं तो वहाँ पे आप उसके डिप्पी पे कमेंट कर सकते हैं LS, लवली स्माइल। उसके बाद गाइस, हमारा अगला वर्ड जो है वो है CU2M, मीन्स सी यू टुमोरो, कल मिलते हैं। सो गाइस, अब किसी से बात ख़त्म कर लेते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, उसके बाद बाय बोलते हैं, उसके बाद आप CU2M का प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स सी यू टुमोरो, कल मिलते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला वर्ड है वो है CUL, इसका मतलब होता है सी यू लेटर, मतलब कि बाद में फिर मिलते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा अगला जो वर्ड है वो है OSM, इसका मतलब सब कोई जानता होगा, इसका मतलब होता है ओसम, मीन्स शानदार या गजब। आपको किसी के पिक पे कमेंट करना हो तो आप वहाँ पे OSM का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा अगला जो वर्ड है वो है W4U, इसका मतलब होता है वेट फॉर यू,
मतलब कि आपका इंतज़ार। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो W फॉर यू मीन्स वेट फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद गाइस हमारा जो अगला वर्ड है वो है F9। F9 का मतलब होता है फाइन। आपसे पूछता है कैसे हो, तो आप बोल सकते हैं अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा जो अगला वर्ड है वो है W8। इसका मतलब होता है वेट। वेट का मतलब इंतज़ार करना। सो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी नए वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।